भाई मेरे बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? ऑलराइट, सो आज हम गाना साथ में सुनेंगे, उसका नाम है खोखो बाय ध्रुव राजपाल एके डीआरडी एंड डार्सी। क्या बात है, न्यू स्कूल सॉन्ग बनाते हैं, न्यू स्कूल सॉन्ग्स बनाते हैं। और इस गाने का म्यूजिक दिया है असद ने और यह आया है फाउंड आउट के लेबल से। ओ मैन, फाउंड आउट से याद आया, कुछ दिन पहले इनका एक और गाना आया था डीआरडी और डार्सी का, फुल पावर फीचरिंग सिडक। गाने का नाम था साउथ दिल्ली और भाई क्या गाना था यार, क्या प्यारा साउथ दिल्ली ट्रिप भाई, बहुत ही सही ट्यून थी, बहुत सही मेलोडी। ओके, इस गाने का नाम है खोखो और खोखो का मतलब होता है कोकोआ पाउडर जो हम लोग कॉफी में डाल के पीते। मैं तुम्हें बता दूं ये गाना सुनने के पहले कि मैं बिट्स एंड पीसेस में ये गाना सुन चुका हूं, तो मेरे को थोड़ा सा तो आइडिया है कि इस गाने में क्या बात होने वाली है। हां तो देखते हैं इसमें क्या, तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। Disclaimer, all object displayed in this video are props only and are entirely fictional. All characters are displayed for their intended purpose only. जब भी किसी गाने या वीडियो के पहले इतना लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर आ जाए कि इसके अंदर दिखाई हुई सारी चीजें नकली, मतलब समझ जाओ सब असली। मतलब कुछ रियली खतरनाक ही आने वाला है। ओके ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। डार्सी, डीआरवी एंड डार्सी भाई लोग क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे, व्हाट आर दे डूइंग? खोखो लाइंस से बनाया, लाइंस लाइंस से कोको को, कोको जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोको पाउडर होता है जिसको कॉफी में डाल के पीते हैं। मेरे को तो यही होता है भाई। क्या 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 आवाज आवाज, एक सेकंड। हाइप अप ज्वाइंट फू, पता नहीं भाई मेरे कान शायद बज रहे हैं ना। प्लीज जो बोला था मेरे को कमेंट में बताओ क्या बोला था यार। लेट मी टेक अ मोमेंट टू एप्रिशिएट द पीपल बिहाइंड दिस वीडियो, जिसने भी वीडियो बनाया है बहुत ही सही है। इट्स नॉट इवन 40 seconds है ना इनटू द वीडियो, और भाई क्या एडिट्स मारे हैं ब्रो, क्या एडिट्स है, क्या कलर है। गाने के बारे में भी बात करें, वेटर ने क्या पकड़ा दिया, एक चीज नोटिस करी तुमने, जैसे ये वर्स वाला पार्ट शुरू हुआ ना, तो जनरली जब तुम कोई गाना सुनते हो तो बीच में उसका एक ब्रेक पार्ट आता है ना, जिसमें बीट ब्रेक आता है या फिर वो बिल्डअप बनाते हैं गाने में, कि बिल्डअप बनाते हैं कि अभी हुक ड्रॉप होने वाला है। तो यहाँ पे गाना ही जैसे शुरू हुआ है, वो जो पीछे ड्रम या स्नेयर जो भी साउंड है उसको जो अरेंजमेंट करे वो बिल्कुल ऐसा साउंड करे जैसे बिल्डअप बन रहा है, और अभी तो गाना शुरू हुआ है राइट। वो गाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, कट करे लाइन, कट करे लाइन्स बेबी मेरा क्रेडिट कार्ड को पीछे मेरे पोपो, कट करे लाइन्स फ्रॉम माय क्रेडिट कार्ड को पीछे मेरे पोपो। पोपो बोले तो क्या होता है, पुलिस पीछे मेरे फोफो, कट करे लाइंस बेबी मेरा क्रेडिट कार्ड को पीछे मेरे फोफो, तुम राइट करे लो लो ना तो खींच मेरी फोटो, यहाँ ट्रिप पूरी स्लो मो, रहता साउथ दिल्ली बाबे रहती थी वो सोबो, रहता सोलो डोलो क्योंकि डोप मेरा मोजो पोस्ट। ब्रो इतना सही सोच हुआ है यहाँ पे ध्रुव डीआरवी एंड डार्सी का, लाइक मैंने रियलाइज ही नहीं करा मेरे ब्रेन ने कि कब एक रैपर या आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट पे गाना मूव हो गया। एंड दिस ना तो खींच मेरी फोटो, यहाँ ट्रिप पूरी स्लो मो, ना खींच मेरी फोटो, ये कब बोलते हो, नहीं नहीं वो जो गाना है, नहीं नहीं सॉरी फक बॉलीवुड, हाँ तो ना खींच मेरी फोटो तो ये कब बोलते हो, जब तुम लोग जब कोई ऐसी पार्टी कर रहे होते हो जो तुम चाहते नहीं, जिसके बारे में पता चले लोगों को, तब तुम कहते हो फोटोज ना लो मेरी, डोंट टेक माय फोटोज मैन। रहता सोलो डोलो, क्या है लाइन है, रहता सोलो डोलो क्योंकि डोप मेरा मोजो। ओ भाई कौन, ओके ओके ठीक है, सोलो डोलो जो फर्स्ट टाइम मैंने वर्ड सुना था वो मिस्टर सोलो डोलो, हाँ हाँ हाँ, डे एंड नाइट
किट कडी का डे एंड नाइट सुना था मैंने, उसमें लाइन आती है ना मिस्टर सोलो डोलो, सोलो डोलो, सोलो डोलो का मतलब होता है जो बंदा अकेले बैठ के ट्रिप लेता है, जो बंदा अकेले बैठ के नशे करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोलो डोलो। तो कह रहा था मैं सोलो डोलो क्योंकि डोप मेरा मौज, ओके पोस्ट करूं ग्राम पे तो होता उसे फोमो। अच्छा मेरी फोटोज देख के शी लाइक व्हाट द फक इज ही डूइंग मैन, आई शुड हैव बीन विद हिम, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। थोड़ा सा तो सोचो आगे अपनी खोलो, उसने किया ना सडनली क्या एंजेलिक कॉर्ड बजे अब सोचो आगे अपनी खोलो, उसने किया नहीं को किया थोड़ा एक्स, उसने किया थोड़ा केट, उसने किया थोड़ा को ये लिरिक्स कहाँ जा रहे हैं ब्रो, लाइक व्हाट द फक क्या हुआ बोलो, उसने किया नहीं को किया थोड़ा एक्स, उसने किया थोड़ा केट, उसने किया थोड़ा, उसने किया थोड़ा को मैन। भाई यार ये तो वो लिरिक्स हो गए यार, जैसे कि अरे यार वो कौन सा गाना था, अरे यार मैं बाहर के कुछ आर्टिस्ट के गाने सुनता हूँ ना, उनके लाइनें सुनते हैं, लाइक कि कैसे लिख दिया इसने, लाइक हाउ हमारी तरफ तो कोई करता ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोई गाना याद करूँ तो वीकेंड का एक गाना था और ना करके, उसमें जैसे वीकेंड का वर्स आता है ना, नहीं नहीं टीवाई डॉलर साइन किसका था यार, जिसका भी था, ठीक है, जब उसका वर्स आता है तो उसमें कुछ हाँ वीकेंड कहता पी सो गुड गॉट टू सेव दिस शिट फॉर लेटर, जिसको भी याद है उसको समझ आ गया किसकी बात। तो यहाँ पे यही लाइक क्या लिरिक्स लिखे है भाई, उन्हें उसने किया नहीं किया थोड़ा जिसको मतलब समझ आ गया उसको समझ आ गया, जिसको नहीं आया उसको नहीं आया, मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं आया ये जो हुक की मेलोडी है ना भाई, ये तुम्हारा कान नहीं छोड़ने वाली एटलीस्ट फॉर अ वीक फ्रॉम नाउ, आई एम श्योर। अगर तुम इसके हुक को दो या तीन बार सुन लो, जो अभी मैंने सुन लिया यहाँ पे भाई, तो अच्छा भाई भाई लैब में भी लगे हुए हैं, कुछ कुछ बना भी रहे हो, ओके ओके ब्रो, ये गाना तुम्हारे कान से नहीं निकलने वाला, इज गोना स्टे इन योर हेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इतना सही सोनिकली इतना सही साउंड कर रहा है, प्रोड्यूस बाय असद ब्रो, बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, लाइक ध्रुव का पार्ट डार्सी का दोनों बहुत ही फ्रेश है। मैंने ऐसे लिरिक्स वाला कोई भी और हिंदी गाना इससे पहले नहीं सुना। You don't want these bartenders near you. किया थोड़ा है कुआं मेरा सर दिया नहीं किसी ने heads up serve किया fiends को नहीं पता था मैं next up. Okay ठीक है यहाँ पे scene बन रहा है. किया थोड़ा है कुआं मेरा सर दिया नहीं किसी ने heads किसी ने heads up नहीं दिया मुझे कि आगे ऐसा होने वाला है. Serve किया fiends को नहीं पता था मैं next up हुआ जब recess डाला पूरी bag में पैसे निकली cat सभी लेने लगे stress. ये गाना तो भाई लिटरली पूरी ट्रिप ही समझा रहा है, पूरा सेश, जैसे बोला भाई ने पूरा सेश समझा रहा है यहाँ पे क्या हुआ था वहाँ पे. किया थोड़ा है कुआं मेरा सर दिया नहीं किसी ने heads up serve किया fiends को नहीं पता था मैं next up हुआ जब recess डाला पूरी bag में पैसे निकली cat सभी लेने लगे stress peer pressure मुझ पे होना चाहता मैं suspend. wow peer pressure वाली बात पैसे निकली cat सभी लेने लगे stress peer pressure मुझ पे होना चाहता मैं suspend एक दोस्त फुटता join वो करने लगा मैं पागल दोस्त के Fuck is happening, भाई पूरा ऐसा लग रहा है like literally अपना incident सुना रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था एक बार हम लोग ये कर रहे थे वहाँ पे ऐसा हो गया वहाँ पे हो गया चाहता हूँ मैं suspend एक दोस्त फुटता join वो करने लगा मैं
बाबा दस के फार्म हाउस में खेला कुछ चेस। अगर सच में बताऊं मुझे पसंद नहीं है केमिस्ट्री और प्रेशर नहीं मजाक में तो डीप इन द एंड दोस्त हुए पर बात जो थे नशा करते नाक से कट करे लाइंस में भी मेरे क्रेडिट कार्ड से मेरे ये गाना मेरे को सुनने में बहुत मजा आ रहा है यार। ठीक है लाइक सुनने में इज सो इंटरेस्टिंग भाई, क्योंकि ये ऐसी स्टोरीज लाइक आई लिटरली फील लाइक मुझे डेवडी का फील आ रहा है। डेवडी तुमने देखी नहीं होगी है ना, तुम्हारी जनरेशन की मूवी तो है नहीं, तुमसे 10 साल पहले की है वो है ना, मेरी जनरेशन की है। सो मुझे पूरा डेवडी वाला फील आ रहा भाई, जैसे कोई उसका कोई इंसिडेंट बता रहे भाई यहाँ पे ये हुआ फिर वो हुआ। डायरेक्ट बाय आवृत, आवृत भाई साहब नेक्स्ट लेवल काम ब्रो, नेक्स्ट लेवल काम। आई डोंट थिंक मैंने आवृत का इससे पहले कोई भी वीडियो देखा है, नॉट वेरी श्योर, देखा होगा शायद, नहीं पता होगा, लेकिन भाई ये देखा ना, आई एम डैम इम्प्रेस कि ब्रो क्या काम कर रहा है भाई ने। कोको डी आर बी आई स्टार्स आउट नाउ ऑन सारे प्लेटफॉर्म्स, और इसके बाद गाना कौन सा आ रहा था अभी हमारा साउथ दिल्ली। बट ब्रो सही है भाई, सही है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक गाना, बहुत ही ज़्यादा लाइक देखो ये एक चीज़ तो भाई देखा मेरे को न्यू स्कूल बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन रिसेंटली कुछ लोग ऐसे न्यू स्कूल सॉन्ग्स बना रहे हैं जिनसे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि न्यू स्कूल आई डोंट नो मैन है ना, उसमें कुछ तो अपना होना चाहिए। ठीक है लाइक बाहर के भी कुछ रैपर्स हैं जो बहुत ही अजीब सा मंबल रैप करते हैं, बहुत ही वियर्ड साउंड करते हैं, मेरे को नहीं पसंद है ना, नहीं पसंद है वो, नहीं पसंद है तो वाला मुझे नहीं पसंद आता। बट दिस काइंड ऑफ न्यू स्कूल, जो देखो न्यू स्कूल में ऑडियो का जो सोनिक्स है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑडियो का सोनिक्स हो अगर इसका कोई मतलब बनता है तो बना देना लेकिन वो जो सोनिकली जो है ना उसको एक लेवल पे होना पड़ता है तब भाई वो अच्छा न्यू स्कूल साउंड करता है, भले वो वोकल्स के ऊपर इफेक्ट हो, भले वो कहीं पे हो। और यहाँ पे तुमने देखा लाइक पूरा गाना न्यू स्कूल, तब भी मैं एक भी बार नहीं बोलूंगा भाई पूरा मंबल वाला फील भी नहीं आ रहा, इवन दो आई लाइक मंबल लेकिन वो मंबल वाला भी इतना फील नहीं आ रहा, पूरा ऑटो ट्यून वो भी फील नहीं आ रहा, इफेक्ट्स तगड़े थे है ना वोकल्स के ऊपर बट खराब कहीं से नहीं लग रहे थे, एंड दिस इज व्हाट आई सीक इन एटलीस्ट DHH न्यू स्कूल सॉन्ग्स। ठीक है सो एंड स्टोरी एज आई टोल्ड यू मैन, भैया स्टोरी का तो आई डोंट नो क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लड़के साथ में मिलकर ट्रिप ले रहे थे एंड दैट गर्ल वॉज वेस्टेड, और उसके बारे में भाइयों ने मिलकर गाना बना दिया है ना, जो भी है तो नहीं है लेकिन गाना सही था, गाने का हुक बहुत सही था, असद जिन्होंने बीट प्रोड्यूस करा है, जस्ट लव दिस शिट मैन, आई जस्ट लव दिस शिट भाई, बहुत ही सही बीट थी है ना, लाइक 808s कहीं से तुम्हारे ईयर स्पेस को बहुत ज़्यादा खा भी नहीं रहे थे बट देवर देयर है ना, जो पूरा सपोर्ट कर रहे थे वोकल्स को, पूरा जो सेंटर पॉइंट रखा गया है पूरे गाने में मोस्टली वो वोकल्स को ही रखा है, एंड ऑब्वियसली म्यूजिक वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग। मेरे को बताया, बाकी तुम लोग बताओ तुमको गाना कैसा लगा, डेफिनेटली गाना मेरे प्ले लिस्ट में जा रहा है, फॉर श्योर जा रहा है, एंड प्लीज गो एंड ऑल्सो टेल देम मैन कि भाई गाना अच्छा है नहीं है, जो भी है क्या लिखा क्यों लिखा ये क्यों वो क्यों, जो भी क्वेश्चन आंसर है सब कमेंट्स में उनके कर डालो, बट एटलीस्ट शो देम सम लव, उनको बताओ कि तुमने गाना सुना और तुम्हारा जेन्युइन फील बैक ये है। ठीक है चलो मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा, टिल देन नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सच्चे संगीत से बचा कर रखिए, हैशटैग म्यूजिक सुनाओ म्यूजिक बचाओ को फॉलो करिए, फेक भाई सस्ते संगीत से अपने गानों को बचाओ, ठीक है अच्छे गाने सुना करो, मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए अच्छे गाने, वो सब सुनो ना भाई, क्या बकवास में फंसे यार, प्लीज मैन डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दोस, इतनी बकवास करा मैंने मेरा कैमरा खुद ही बंद हो गया चलो बाय।